for the value of resistance RL in the figure for the maximum power transfer theorem and calculate maximum power. क्वेश्चन के लिए हमें ये सर्किट डायग्राम दी है, देखो यहाँ पे। फिर एक बार जब हमें मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का कोई भी प्रॉब्लम आता है तो उसमें VTH RTH हमें फाइंड आउट करना पड़ता है। सो कैलकुलेशन फॉर VTH, VTH के लिए देखो ये हमारी सर्किट डायग्राम है, यहाँ RL है, RL को ओपन कर दो, पहले RL को ओपन कर दो और दो टर्मिनल ओपन हो जाएंगे, उसको A और B नाम दे दो। ओके सो ये VTH यहाँ पे मिल सकता है हमें। यहाँ पे अगर VTH अप्लाई करना है तो ये एक मेश लूप ये बनने वाला है और एक मेश लूप ये बनने वाला है। सो कैलकुलेशन फॉर VTH के लिए हम मेश लूप वन के लिए अप्लाई KVL फॉर द मेश लूप मेश वन। ओके उसको मेश बोल सकते हैं या लूप बोल सकते हैं। सो देखो यहाँ पॉजिटिव से वोल्टेज जा रहा है, करंट यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट पॉजिटिव जाएगा। सो सॉरी 80, ये माइनस लिखने का, यहाँ पे माइनस 5 करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन इज I1। सी हियर करंट फ्लोइंग थ्रू दिस लूप इज I1 एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दिस वन इज I2। सो 5 माइनस 5 I1, उसके बाद ये रजिस्टर कॉमन फॉर I1 एंड I2, तो माइनस 10 कैलकुलेशन फॉर I1। सो I1 माइनस I2 करने का, उसके बाद ये आएगा 20, ये माइनस 20 और ये I1 माइनस I2, बिकॉज 20 इज कॉमन फॉर I1 एंड I2। सो I1 माइनस I2, उसके बाद ये करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स द बैटरी, टेक इट एज नेगेटिव। बैटरी से निकलता है करंट तो पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है तो पॉजिटिव लेने का है, और उसके तरफ आता है तो नेगेटिव लेने का है। तो ध्यान में सिर्फ इतना रखने का कि करंट फ्लोइंग थ्रू फ्रॉम द बैटरी अगर बाहर जा रहा है तो पॉजिटिव लेने का है, अदरवाइज ऑल कंडीशन में निगेटिव ले लो। हाँ ओके सो यहाँ पे हमें मिल रहा है करंट -20। सो इसको मैंने सॉल्व कर दिया, देखो ये 80 और ये -20, ये 60 हो गया। ओके तो 60 एक बार रखती हूँ और बाकी टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करती हूँ। सो यहाँ पे I1, यहाँ I1 है, यहाँ I1 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 35 I1 हो गया। उसके बाद ये 10 I2 है, ये 20 I2 है, ये 30 हो गया। सो हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। सेकेंड इक्वेशन इज वेरी इजी, दिस इज सेकेंड लूप एंड डायरेक्टली मेश करंट दिया है कि इस लूप में से कितना करंट फ्लो होता है, दैट इज डायरेक्टली एज I2। अगर I2 2 है तो जस्ट पुट इन द इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे I2 इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा, 90 को उस तरफ लेके जाओ, डिवाइड बाय 35 करोगे तो 3.43 मिल जाएगा। ओके नाउ अगर एक बार हमें अभी अभी करंट मालूम हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी आर अप्लाइंग द KVL फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट्स एज वी आर गेटिंग द करंट, तो VTH के अक्रॉस जो भी एक लूप में हमें VTH मिलता है कहीं पे एक में VTH की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए KVL अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे देखो मैंने VTH से पॉजिटिव टर्मिनल से फाइंड आउट करना शुरू कर दिया, सो VTH अब हम ये लूप लेंगे, कौन सी भी लूप लिया तो भी चलेगा। सो VTH यहाँ -20 आएगा, इट इज कॉमन फॉर I1 एंड I2, दिस इज अ करंट फ्लोइंग थ्रू I1 ब्रांच, सो I1 माइनस I2, करंट कमिंग्स टूवर्ड्स द 20, सो इट इज नेगेटिव, इट इज जीरो। I1 I2 की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे हमें मिलेगा VTH इज इक्वल टू 48.6। सो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का थ्योरम कोई भी आता है तो पहले जहाँ पे हमें RL दिया है उसको ओपन कर दो, उसके बाद KVL अप्लाई करो, अगर एक ब्रांच है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। तो एक बार KVL से हमें I1 I2 I3 फाइंड आउट करना है, वंस वी हैव गेटिंग दिस वैल्यू फाइंड आउट द VTH। सो अप्लाई टू एनी वन ऑफ द लूप एंड फाइंड आउट द VTH। उसके बाद की प्रोसीजर क्या है, कैलकुलेशन फॉर द RTH। सो RTH फाइंड आउट करने के लिए देखो अभी हमने क्या किया, ये RTH है, RTH हमें फाइंड आउट करना है तो ये ओपन सर्किट हो गया, करंट को ओपन सर्किट करना पड़ता है और बैटरी को हम क्लोज सर्किट करते हैं, तो यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और यहाँ करंट है तो इसको ओपन कर दिया। तो देखो अगर मुझे इसका कैलकुलेशन देखना है कि RTH में कौन सा रजिस्टर पैरेलल में और कौन सा सीरीज में है, सो अगर मैं ऐसे सपोज करंट फ्लो करती हूँ तो 10 एम्पियर से जाके ये तो ओपन है, यहाँ पर तो नहीं जाएगा, यहाँ पे जाएगा, तो जहाँ से 10 एम्पियर वाला करंट है सेम करंट विल बी फ्लो थ्रू 5 ओम। सो ये सीरीज, जब सेम करंट फ्लो होता है दोनों रजिस्टर में से तो वो सीरीज होता है, दैट इज़ वाई टेक द सीरीज कॉम्बिनेशन। सो ये 15 लिखा मैंने, आया समझ में। उसके बाद करंट यहाँ पे जाने के लिए देखो, यहाँ से जाएगा तो करंट यहाँ पर भी जाएगा और यहाँ पर भी, यानी कि ये ब्रांच और ये ब्रांच पैरेलल में है, पैरेलल का साइन नहीं है तो पैरेलल लाइन से, तो उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला है, इन दोनों जो 50 ओम रजिस्टर हो गया और 20 ओम का रजिस्टर हो गया, इन दोनों का पहले मल्टीप्लीकेशन करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 15 प्लस 20, ये है इसका फार्मूला। और इसके फार्मूले से हमें मिलता है 8.57 ओहम।
एंड और हमें मालूम है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में आर टी एच इज इक्वल टू वी टी एच रहता है, सॉरी आर एल इज इक्वल टू आर टी एच रहता है. सो वी आर अगेन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आर टी एच एंड वी टी एच. जस्ट फाइंड आउट द फाइनल वैल्यू ऑफ पावर मैक्सिमम. पावर मैक्सिमम विल बी कैलकुलेटेड विथ वी टी एच स्क्वेयर डिवाइडेड बाई फोर आर टी एच. सो वी टी एच का स्क्वेयर आता है 48.6 का, इसका स्क्वेयर कर दो, 4 इंटू आर टी एच हमारी वैल्यू है 8.57, इसका कैलकुलेशन करो वो आता है 68.9 वैट. ओके, थैंक यू.